हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली एक्सट्रूडर को क्लासिफाइड किया जाता है बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप में। ठीक है, तो अब बैच और कंटिन्यूअस एक्सट्रूडर क्या होते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं बैच टाइप एक्सट्रूडर क्या होती है। बैच टाइप में सबसे पहली आती है रैम एक्सट्रूडर और दूसरी आती है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू एक्सट्रूडर। ठीक है, रैम एक्सट्रूडर में हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर होती है, वर्टिकल रैम एक्सट्रूडर होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर में क्या होती है। ये जो पॉलीमर के जो रॉड बनते हैं बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर से बनते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली एक्सट्रूडर होगी। ठीक है, इसके अंदर एक प्लंजर होगा। ठीक है, जिसको रैम कहते हैं, वो क्या करेगा, वो पुश करेगा जो मोल्टन मटेरियल होगी। यहाँ से हम मटेरियल को फीड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, मटेरियल मेल्ट होगी इसमें। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ठीक है स्टील की ये होती है बैरल। ठीक है, इसमें हीटर लगे होते हैं, तो जो कि जब हीटिंग करते हैं तो अंदर जो मटेरियल्स होती हैं, इधर से ग्रेनुलर्स फीड करते हैं और इसमें आके मटेरियल्स मेल्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक ड्राइव यूनिट लगी होती है जिसमें रैम को फिट किया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर पुट करते हैं। ठीक है, तो रैम क्या करती है, जो मोल्टन मटेरियल होती है उसको प्रेस करती है। ठीक है, तो इस तरीके के शेप में मटेरियल्स निकलती है। ठीक है, ये डाई होती है, डाई के थ्रू ये मटेरियल निकल रही है। आप मोस्टली आप देखते होंगे पुलिस वालों के पास इस तरीके के प्लास्टिक के डंडे होते हैं। ठीक है, तो रैम हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर से ही वो डंडे बनते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल रैम एक्सट्रूडर। ठीक है, ये आपको वर्टिकल रैम एक्सट्रूडर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल फिट कर रहे हैं और यहाँ पे पिस्टन लगी हुई है जिसको रैम कहते हैं। और ये क्या करती है, यहाँ से प्रेस करता है। ठीक, ये नीचे डाई होगी, वहां से वो मटेरियल जो मोल्टन मटेरियल होती है वो निकलती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो बारिश होता है बैरल होती है। ठीक है, ये पिस्टन होती है जो कि प्रेस करते हैं। यहाँ से हम अगर मान लो मैन्युअली हो तो यहाँ पे वेट देते हैं, या फिर अगर ऑटोमेटिक होती है तो हम डाटा को फिट करते हैं। तो ये जितने प्रेशर का हमें पिस्टन पे वेट लगानी है, प्रेस करनी है, ठीक है, तो उतना हम पुट कर देते हैं डाटा को और ये पिस्टन प्रेस होती है। ठीक है, और ये जो मोल्टन मटेरियल होती है वो ये जो बैरल होती है, ठीक है, ये जो होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैरल होती है। ठीक है, तो ये मोल्टन मटेरियल जब इसको प्रेस करते हैं तो मोल्टन मटेरियल डाई के थ्रू, यहाँ पे डाई है, ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर की दिख रही है डाई होती है। ठीक है, और ये एक्सट्रूडेड मटेरियल्स होती हैं। जब जो मोल्टन मटेरियल डाई के शेप से निकलती है, जो शेप डाई की होती है उसी शेप में मटेरियल निकलती है। ठीक है, इसका बेसिक फंडा यही होता है, तो उस मटेरियल को एक्सट्रूडेड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सट्रूजन के थ्रू निकली है इसलिए एक्सट्रूडेड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे थर्मामीटर थर्मोकपल लगी होती है जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कितनी टेम्परेचर आ गई है बैरल के ऊपर। यहाँ पे हीटर लगी हुई है, देख सकते हैं ये हीटर है, ये बैरल होती है और ये इंसुलेशन होती है। ठीक है, जो कि जैसे मान लो कि बाहर टेम्परेचर ना जाए, कोई अगर टच करे तो वो उससे जले नहीं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको वर्टिकल रैम एक्सट्रूडर समझ में आ गया और हॉरिजॉन्टल रैम एक्सट्रूडर भी समझ में आ गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो कंटिन्यूअस टाइप के एक्सट्रूडर होते हैं वो क्या होते हैं। कंटिन्यूअस टाइप के जो एक्सट्रूडर होते हैं वो बेसिकली स्क्रूलेस एक्सट्रूडर होती है, डिस्क एक्सट्रूडर होती है, ड्रम एक्सट्रूडर होती है, अदर एक्सट्रूडर होती है, जो कि मैं
बताऊंगा कि अदर एक्सट्रूडर में क्या क्या होता है। और एक होती है स्क्रू एक्सट्रूडर जिसमें स्क्रू भी होती है, ठीक है। वो भी एक्सट्रूडर होती है जिसमें सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होती है, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर होती है, मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर होती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या स्क्रूलेस एक्सट्रूडर क्या होती है। बाकी जो भी इसमें मैंने क्लासिफिकेशन किया इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आगे। अब स्क्रूलेस एक्सट्रूडर जो होती है इसमें स्क्रू होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी इसमें स्क्रू जो मिक्सिंग जो मटेरियल फिट करेंगे तो एक ये बैरल होती है, ठीक है। इस बैरल के इसमें हीटर लगे होते हैं बैरल के ऊपर, ठीक है। ये जैसे बैंड बैंड दे आपको दिख रहा है तो ये हीटर के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब बैरल में मटेरियल इसके थ्रू जाएगा और यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ से इनपुट हम देंगे और यहाँ से आउटपुट होगा, ठीक है। मटेरियल इसके बीच में मेल्ट हो जाएगी और ये अपने आप ही फ्लो होगा, मटेरियल मेल्ट होके आगे से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। और ये बहुत रेयर केस में यूज होता है स्क्रूलेस एक्सट्रूडर, मतलब कहा जाए तो यूज ही नहीं होता, ठीक है। बहुत आप रेयर केस में कहीं आपको दिख जाए तो दिख जाए, बट आई थिंक इसका यूज अब बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। पहले बहुत पुराने टाइम पे ही यूज होता था बट अब तो बिल्कुल ही नहीं होती है इसकी यूज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो डिस्क एक्सट्रूडर होती है, वो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से इनलेट हो रही है, ठीक है। मटेरियल इसमें डिस्क होती है बेसिकली, ये डिस्क जो होती है रोटेट होती है, जैसे देख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है। इसमें मतलब ये सॉफ्ट होती है, ये रोटेट होती है और यहाँ पे डिस्क लगी होती है, वो सॉफ्ट ही उसको रोटेट कराता है डिस्क को, यहाँ पे डिस्क लगी होती है। जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आटे की चक्की होती है, अंदर होती है और दो डिस्क लगे होते हैं, जैसे ग्रेनुल्स आटे के ग्रेनुल्स हम जब डालते हैं तो पीस देता है, आटा के फॉर्म में ला देता है, तो डिस्क ही रोटेट होता है। डिस्क के बीच में वो जो ग्रेनुल्स होते आते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डिस्क लगी होती है और ये जो सॉफ्ट होती है वही डिस्क को रोटेट करती है, यहाँ पे डिस्क होती है, ठीक है। इस साइड में डिस्क होती है, उस साइड में डिस्क होती है और इधर से ग्रेनुल्स को इनलेट करते हैं और ये शाफ्ट डिस्क को रोटेट करता है, ग्रेनुल्स उसके बीच में आता है और मेल्ट होता है, ठीक है। और कुछ टेम्परेचर भी इसमें दिया जाता है जो कि हेल्प हो जाती है मेल्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता है क्योंकि डिस्क जो रोटेट होती है वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हीट क्रिएट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी मेल्ट होने लगता है, ठीक है। और ये मेल्ट होके यहाँ से ये मेल्ट कूल है यहाँ पे इकट्ठा होती है और यहाँ से आउटलेट होती है, ठीक है, आगे जाती है मेल्ट होके, ठीक है। और यहाँ पे डाई लगी होती है जिस शेप में हमें चाहिए प्रोडक्ट, उस शेप का डाई हम लगा देते हैं और यहाँ से मटेरियल निकलती है, ठीक है। आई थिंक डिस्क एक्सट्रूडर आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क एक्सट्रूडर क्या होती है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, ये होती है ड्रम एक्सट्रूडर। ड्रम एक्सट्रूडर आप देख सकते हैं शेप से ही पता चल रहा है और नाम से भी पता चल रहा है कि ड्रम एक्सट्रूडर मतलब एक ड्रम टाइप का होता है, ठीक है। बैरल होती है ड्रम टाइप की, ठीक है, और इसको हम ड्रम एक्सट्रूडर कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ एक फेरिजन के थ्रू में मोल्टन मटेरियल आती है, मीन्स मटेरियल फुल्ली मोल्ट नहीं मेल्ट मेल्टेड नहीं रहती है, एक जेल के फॉर्म में मटेरियल यहाँ से आती है इस ड्रम में और वो उस शेप का जो प्रोडक्ट होती है इस शेप का बन जाती है, जो ड्रम का शेप ये दिख रहा है आपको, इस शेप का मटेरियल फॉर्म हो जाती है, जो प्रोडक्ट होती है फॉर्म हो जाती है अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे एक खोला जा रहा है और इसी शेप का प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे कि अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे ड्रम निकल रहा है, ठीक है। ये अंदर ये आया मटेरियल, ठीक है, और इसी शेप में ये बन गया, ठीक है। आई थिंक आपको ड्रम एक्सट्रूडर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है आप देख सकते हैं, ये इस सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की ये पूरी जो डिजाइन आप देख सकते हैं कैसी होती है,
और ये स्क्रू होती है, आप देख सकते हैं स्क्रू कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम पूरा क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों होता है क्या सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में, सबसे पहले हम बात करते हैं फीडिंग जोन की, ठीक है। ये हॉपर होती है, इसको हॉपर भी बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, ग्रेनुल्स को फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेनुल्स आती है और फिर ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाती है, ठीक है, डाई की तरफ। यहाँ पे डाई लगी होती है, सेब का हमें प्रोडक्ट चाहिए उसी सेब का डाई लगाते हैं, ठीक है। और ये होती है जो अंदर होती है, ये स्क्रू होती है, ठीक है, जो कि ड्राइव यूनिट से अटैच होती है, जुड़ी होती है। ड्राइव यूनिट को कमांड देते हैं और ये स्क्रू उसी कमांड से रोटेट होता है। जितना हम आरपीएम दे देंगे, जितना स्पीड देंगे उतनी ही स्पीड में रोटेट होगा, और जितना ही स्पीड में रोटेट होगा, अगर स्लो रोटेट हो रहा तो जो मटेरियल हम फीड कर रहे हैं बहुत स्लोली डाई की तरफ जाएगा, और फास्ट रोटेट होगा तो मटेरियल बहुत फास्ट इधर जाएगा, क्योंकि जो मटेरियल होती है ये जो आप देख सकते हैं जो गैप हो रही है, ये इसी के थ्रू ऐसे फ्लो होती है मटेरियल और आगे की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, स्पीड अगर इसकी बढ़ा देते तो और तेजी से मटेरियल जाती है, स्पीड इसकी स्क्रू की कम करते हैं तो मटेरियल बहुत स्लो जाती है, ठीक है। और ये जो स्क्रू रोटेट होती है वो बैरल के अंदर होती है, आप देख सकते हैं इधर बैरल होती है, ठीक है। और इस बैरल में तीन जोन होते हैं, फीड जोन होती है, कंप्रेशन जोन होती है, मेटरिंग जोन होती है, ठीक है। और ये जो होती है बैरल के ऊपर हीटर लगी होती है, देख सकते हैं कि हीटर लगी हुई है जो कि बैरल को गर्म करती है। बैरल बेसिकली क्या होती है, एक सिलेंडर के फॉर्म में होती है, ठीक है। उसमें ये इस जो स्क्रू होता है रोटेट होता है, तो उस सिलेंडर के फॉर्म में बैरल को हम हीट देते हैं, इधर जो मटेरियल आती है वो हीट की वजह से मेल्ट होने लगती है, ठीक है, और मेल्ट होके आगे की ओर बढ़ने लगती है और डाई के थ्रू निकल जाती है मेल्ट होके, ठीक है। अब इस बैरल में भी तीन जोन होते हैं, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटिंग जोन। इन तीनों जोन का क्या होता है, फीड जोन का मतलब समझ में ऐसे ही आ रहा है कि फीड जोन मतलब फीड करते हैं, यहाँ पे मटेरियल फीड करते हैं, तो वहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता नहीं है, केवल फीड होता है, और ये मटेरियल जो होती है ग्रेनुल्स के फॉर्म में ही होती है और आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद ये कंप्रेशन जोन, ठीक है। कंप्रेशन जोन में क्या होती है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं। अगर कुछ जो एयर गैप होती है, चाहे वो मटेरियल ग्रेनुल्स में कुछ एयर ट्रैप्ड रहती है या कुछ मॉइस्चर होता है मटेरियल में, तो वहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर और एयर निकल जाती है इसी फीड हॉपर जोन के थ्रू, यहीं से निकल जाती है, ठीक। और फिर ये आगे बढ़ जाती है, और मेटरिंग जोन जब आती है तो वहाँ पे जो मटेरियल मेल्ट नहीं हुआ था कंप्रेशन जोन में, वो मेटरिंग जोन में फुल्ली मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और डाई के थ्रू निकल जाता है। आई थिंक आपको सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। बेसिकली सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर अगर समझ गए हो तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि होता क्या है। इसमें बस वही सारी चीज होती है, बैरल होती है, डाई होती है, और यहाँ पे हीटर भी लगी होती है बैरल के ऊपर, और ये स्क्रू होती है, बट इसमें एक स्क्रू नहीं होती, इसमें ट्विन होती है, मतलब डबल होती है स्क्रू, जैसे डबल स्क्रू होती है, ठीक है। और दोनों साथ में ही रोटेट करते हैं, एक साथ रोटेट करते हैं वो दोनों, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, बट इतना समझ लीजिए कि ये या तो सेम डायरेक्शन में दोनों रोटेट करेंगे या तो एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक। और ये ड्राइव मोटर से जुड़ी होती है और हम मोटर को कमांड देते हैं तो उस हिसाब से रोटेट करती है, ठीक है। अब बेसिकली ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की जरूरत क्यों पड़ी, बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसे कि हम बता पहले जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में बताया, उसमें जब ग्रेनुल्स ऐड करते हैं तो यहाँ से मेल्ट होके आगे डाई की तरफ निकल जाता है, बट अगर मान लो ग्रेनुल्स के साथ कुछ हम एडिटिव ऐड करें या कुछ फिलर ऐड करें या कुछ फाइबर ऐड करें, कुछ भी अगर मैट्रिक्स के साथ कुछ ऐड करते हैं तो उसको प्रॉपर अगर मिक्स करना है, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स करना है तो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ब्लू कलर की आपको जो दिख रही है वो मैट्रिक्स का है, और जो रेड कलर की दिख रही है वो आपकी या तो ग्रेनुल्स होगी
या तो फाइबर होगी, या तो एडिटिव होगी, या तो फिलर होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा या कलरेंट्स होगा, ठीक है, तो वो उसमें ऐड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिड जोन में, ये यहाँ तक फिड जोन है, ठीक है। तो ये फिड जोन में आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये मेल्ट हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रेनुलर्स ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ से कंप्रेशन जोन, यहाँ पे यहाँ तक कंप्रेशन जोन है, यहाँ तक देख सकते हैं कंप्रेशन जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी मटेरियल पूरी तरीके से मेल्ट हुआ है, कुछ मटेरियल मेल्ट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कलर इसका चेंज हो रहा है अलग अलग धीरे धीरे, यहाँ पे सीधे लाइट ब्लू कलर आ गया इसमें, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्रेशन जोन है, यहाँ तक फुल्ली मेल्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेटरिंग जोन होती है यहाँ पे फुल्ली मेल्ट हो गई है और एक सिंगल कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ना ब्लू और ना रेड, एक भी नहीं आ रहा, एक सिंगल एक कलर आ गया, मतलब यहाँ पे आके प्रॉपर मिक्स हो गया, ठीक है। और मिक्स होने के बाद यहाँ से डाई के थ्रू निकल गया, ठीक है। भी हम शेप में प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उस शेप का डाई हम यहाँ पे लगाते हैं आउटपुट पे, और उस शेप में प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। ओके, अब समझ में आ गया कि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्यून एक्सट्रूडर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर। या मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होती है, बेसिकली इसमें अगर दो से ज्यादा एक्सट्रूडर हो, जिस स्क्रू एक्सट्रूडर में दो से ज्यादा स्क्रू हो, बेसिकली स्क्रू की इसमें बात हो रही है, अगर दो से ज्यादा स्क्रू होंगे, क्योंकि मल्टी स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है। किसी एक्सट्रूडर में दो से ज्यादा स्क्रू अगर होंगे तो मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर में काउंट होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो कितने इसमें एक्सट्रूडर स्क्रू होंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे स्क्रू हैं जो कि रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें ये बैरल होती है और इसमें इस तरीके के स्क्रू होते हैं, जैसे देख सकते हैं इतने नंबर ऑफ स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, और ये रोटेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से मटेरियल जाती है, फीड होती है और ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाती है और डाई के थ्रू आउट हो जाती है, ठीक है। तो मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर बेसिकली अभी तक ज़्यादा यूज हुआ नहीं है, क्योंकि तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लोग ज़्यादातर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके कंपेयर में वो सस्ती होती है। अगर मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर यूज करते हैं तो ये सबसे अच्छी होती है, ये प्रॉपर मिक्स करती है ग्रेनुलर्स को, बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है, ठीक है। इसके थ्रू अगर इसके थ्रू हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ या फिलर ऐड करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो इसमें अगर मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर की यूज करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ठीक है। किसी भी सिंगल स्क्रू और चाहे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर हो, दोनों के कंपेयर में मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर से ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है, ठीक। आई होप आपको मल्टी स्क्रू एक्सट्रूडर समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू अंक। ये वीडियो में आपको जो भी चीज़ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन।